हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज सीखते हैं कुछ नया। हम में से कई लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से फेस पर पिंपल्स आ जाते हैं या फिर फेस पर छोटे छोटे या बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। आइए हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। हमारे स्किन में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो सीबम बनाते हैं। ये सीबम हमारे पोर्स से बाहर आकर स्किन पर फैलता है, जिससे स्किन सॉफ्ट रहती है। जब ये पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो सीबम स्किन से बाहर नहीं निकल पाता है और इसके इकट्ठा होने से स्किन फूल जाती है और स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे पिम्पल्स या दाने आ जाते हैं और पोर्स बड़े हो जाते हैं। आज हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उससे पोर्स क्लीन हो जाते हैं और एक्सेस ऑयल भी निकल जाता है, जिससे स्किन पहले जैसी हेल्दी हो जाएगी। इस प्रोडक्ट को बनाने में ना आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, ना ही आपको इंग्रेडिएंट ज़्यादा लगेंगे। इसे आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी और ग्रीन टी। 2 ग्रीन टी बैग्स लीजिए। इसको 1 गिलास पानी में 15 मिनट तक के लिए डाल के रखिए। ग्रीन टी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि पोर्स को क्लीन करती है और एक्ने को ख़त्म करती है। इसके अलावा चेहरे पर ग्रीन टी लगाने से फाइन लाइन्स और रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं और स्किन मॉइस्चराइज रहती है। 15 मिनट बाद जब पानी का कलर ब्राउन हो जाए तो आप टी बैग्स को पानी से निकाल लीजिए और इस पानी को आइस ट्रे में डालकर फ्रीजर में रख दीजिए। जो आपके पास बचे हुए टी बैग्स हैं उन्हें आप फेंकिए नहीं, उनको आप अपनी आईज को रिलैक्स करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आप आई बटन में जाकर मेरे दूसरे वीडियो में देखें। जब आइस क्यूब जम जाए तो उन्हें फ्रीजर से निकाल लें। ये मैंने रोज़ वाटर में कॉटन भिगोकर रखा है। ऐसे ही रोज़ वाटर में भीगे हुए कॉटन से पहले आप अपने फेस को अच्छे से साफ करें। आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लाते रहूँगी। जब आपका फेस अच्छे से साफ हो जाए तो आइस क्यूब को अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में रब करें। ऐसा 2-3 मिनट तक करते रहें। इसके बाद फेस को नॉर्मल पानी से धो लें। इसके रेगुलर यूज़ से आप पाएंगे कि आपके एक्ने कम हो गए हैं और पोर्स साइज भी रिड्यूस हो गया है।